झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। खेत को तैयार कर धान के बीज बोए जा रहे हैं। झारखंड में इस बार मानसून ने देर से दस्तक दिया है। जून में सामान्य से 61% कम बारिश हुई है, जिसके चलते कृषि कार्य विलंब से शुरू हो रहे हैं। कृषि कार्य का जायजा लिया है हमारे सहयोगी दीपक राव ने। झारखंड में मॉनसून का दस्तक के बाद किसान खेती की तैयारी में जुट गए हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि खेतों की जुताई जो है वो की जा रही है, खेत को तैयार कर बीज बोने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और यहाँ पे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किसान जो है अपने खेतों की जो तैयारी है वो किस तरह से कर रहे हैं, और बीज बोने का जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है। किसान जो है वो अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं, बीज बोने का जो काम है वो किया जा रहा है, ताकि एक निश्चित समय पर जो है बीज तैयार हो, जिसके बाद रोपाई की जा सके। तो यही सब जो काम है वो किसान कर रहे हैं। लेकिन खेती आज की तिथि में काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खास तौर पे मानसून पर ही निर्भर करता है। और इस बार जब मानसून विलम्ब से दस्तक दिया है तो किसानों के चेहरे पर थोड़ी मायूसी है। और इसी बीच जब मानसून दस्तक दिया है तो किसान जो है बीज बोने का जो काम है वो कर रहे हैं। कितना इस बार विलंब हुआ है धान, इस बार बीज लगाने का काम? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 50%। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे जिस तरह से अभी खेती का काम चल रहा है, इस बार कितना विलंब हुआ है? अमूमन कितना दिनों तक जो है ये बीज तैयार हो पाएगा? ये हमारा 15 से 20 दिन में बिचड़ा तैयार हो जाएगा। 15 से 20 दिन मानसून लेट रहा है, अभी तक बिचड़ा तैयार हो जाना चाहिए था, तभी जो है हम लोग जुलाई के अंत तक रोपाई कर पाते। बीज तैयार होने में लेट होगा, रोपनी में लेट होगा, तो जितना उत्पादन होना चाहिए धान का, क्या वह हो पाएगा विलम्ब होने से? निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है, अगर बहुत समय से अगर रोपनी नहीं होता है, बिचड़ा तैयार करके रोपनी नहीं हो पाता है, तो उसका उपज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बारिश अच्छी रही तो निश्चित रूप से फसल अच्छा होगा, इसी उम्मीद से हम लोग लगे हुए हैं। और आप आगे ऊपर वाले की मर्जी है, क्या होता है देखते हैं। लेकिन हम लोग पिछले 2 साल किसान सुखाड़ का सामना किया है, और इस बार भी जो मानसून है वो विलम्ब से दस्तक दिया है। हालांकि जैसे ही मानसून दस्तक दिया है उसके बाद से किसान खेती की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है बीज बोने का, रोपाई का, निकाई का और कटाई का। तो जब पहला स्टेप में जो बीज बोने का काम है वही विलंब होगा, तो जाहिर सी बात है कि रोपाई, निकाई और कटाई का काम में भी विलंब होगा, और उत्पादन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।